नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा की बर्बादी का कारण बताऊंगा कि ग्रेटर नोएडा की बर्बादी का एक कारण हो रहा है कि यहाँ पे सरकार ने बड़े प्लॉट काटे। कैसे, ये देखिए जी, मेरे सामने हायर की फैक्ट्री है जिसकी एड अपना लंबू अमिताभ बच्चन करता है। इसके एसी वेसी ये अभी 2-3 साल पहले आई थी भारत के अंदर। अब देखिए ये फैक्ट्री बनी है, अब समझिए ये फैक्ट्री में कैमरा दिखा रहा हूँ, ये वो दूर तक 2 किलोमीटर तक तो ये है, एक ही फैक्ट्री है। फिर देखिए धीरे 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 इसके 6-7 गेट हैं, ये चल रही है और इधर ये देखिए उधर तक जाती है। अब एक फैक्ट्री 3 किलोमीटर में बनी हुई है। अब उससे होता क्या है कि अब इसे अंग्रेज के बच्चों को तो दे दिया ठेका। अब नोएडा की तरक्की का कारण क्या है कि जो नोएडा में फैक्ट्रियाँ काटी हैं सरकार ने, वो काटी हैं 60 मीटर 90 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर। अब सेक्टर 10 है नोएडा में, सेक्टर 9 है, सेक्टर 3 है, सेक्टर 4 है, वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ काटने से क्या हुआ कि जैसे मान लो कि गरीब आदमी है, उसने ले ली उस टाइम पे, गरीब मतलब ठीक ठाक आदमी, उसने मान लो गत्ते का काम खोल लिया, 20 मजदूर रख लिए, अपना काम चला रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल गया और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने से वो शहर बसना शुरू हो गया। अब इसमें क्या है कि इसका मालिक तो अमेरिका में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, अब बेचारी इसमें लेबर काम करेगी। इसके सामने ये गांव में अजयपुर, अब लेबर गांव में घुस गई तो सेक्टरों में कौन रहेगा? जब छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं तो उनके मालिक सेक्टरों में घर लेके रहते हैं। बड़ी फैक्ट्री होने से इनके मालिक तो दिल्ली रहते हैं, कोई कलकत्ता रहता है, कोई बॉम्बे रहता है, ठीक है ना। तो सरकार को हमेशा छोटे प्लॉट काटने चाहिए, जैसे यमुना में कट रहे हैं। अब यमुना में सरकार काट रही है इंडस्ट्रियल प्लॉट 150 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर। बड़े प्लॉट काटने से शहर की तरक्की रुक जाती है, कि बड़े शहरों में जो अफसर होते हैं वो तो घुस जाते हैं, बड़े बड़े चनक्यापुरी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेबर बेचारी गांव में रहती है। तो ये है कहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एरिया है ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर। ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर में ये रेलवे ट्रैक है इसके साथ, और ये गाँव है अजयपुर, और ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया 10 किलोमीटर का, बल्कि ये ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर को बांध दिया इन्होंने, बल्कि दूर तक आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर है ग्रेटर नोएडा का, ये मान के चलिए 20 किलोमीटर का बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब इसके साथ रेलवे ट्रैक है, उसके आगे खेत हैं, यहाँ तक शहर डेवलप हो चुका है। आप देख रहे हैं दूर तक ये हायर फैक्ट्री आ गई, और इसी के साथ फिर आगे ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिलर रोड को ये रोड जोड़ती है। यहाँ से आप सीधा सोनीपत, पानीपत, जींद, पंजाब, हरियाणा कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लॉट हैं, पर इसके साथ गांव में आप रहने के लिए छोटा प्लॉट ले सकते हैं, 6% किसान कोटे का प्लॉट ले सकते हैं। मैंने साल पहले वीडियो डाला था तो मैंने रेट बोला था 15,000 रुपये मीटर, एक साल के अंदर रेट यहाँ पे 30,000 रुपये मीटर आ गया है, और इंडस्ट्री का रेट यहाँ पे जो पहले 10,000 रुपये मीटर था वो 50 से 60,000 रुपये मीटर आ गया है। तो ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हरे हरे साइड में बिल्कुल लॉन वॉन बने हुए हैं, ये शानदार माहौल है यहाँ का। तो ग्रेटर नोएडा की तरक्की ना होने का कारण है कि यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं जिससे लोग आए नहीं, वो शहर बसा नहीं। यहाँ पे आप छोटा प्लॉट ले सकते हैं अपने रहने के लिए। अच्छा, रेलवे ट्रैक के परली तरफ कच्ची कॉलोनियाँ कट रही हैं, कच्ची कॉलोनी में आपको 6 लाख का 100 गज का प्लॉट मिलता है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जो आपको सुविधा हो वहाँ ले सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से प्लॉट लीजिए और यहाँ आइए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। देखिए खुला है, कोई भीड़ भड़का नहीं है दिल्ली गुड़गांव की तरह, कुत्ते का बच्चा भी घूम नहीं रहा। देखो ये पूरी सड़क है 3 किलोमीटर की, इंसान का बच्चा तो छोड़ो, कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, और इस तरह बिल्ली का बच्चा भी नहीं है। देखो दूर दूर तक कोई ना बिल्ली का बच्चा है ना शेर का बच्चा है। तो यहाँ आराम से रहो, खुला खाओ, नंगे नहाओ, खाट बिछाओ, कहीं भी लौटो, यहाँ शाम को खेलो, वॉलीबॉल खेलो गोल चक्कर में आके, कुछ भी करो, ठीक है जी। या मजदूरी करनी है मजदूरी कर लो फैक्ट्री में, तो भी कोई टेंशन नहीं है, या नौकरी पकड़ लो, तो जो मन है वो करो, ये शहर है शांति वाला। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही देखते रहे, प्यार बनाए रखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा नंबर है 9873708642। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।